यहाँ पे हम वापस खेलने जा रहे हैं रो फिर वाइस टाउन। यहाँ पे मेरे सामने जीप खड़ी है, इसकी स्पीड बहुत तेज है, काफी ज्यादा तेज है, 100 की रफ्तार से भागती है ये जीप। तो यहाँ पे हम टक्कर करने वाले हैं KTM बाइक वर्सेस जीप, तो देखते हैं दोनों में से कौन जीतेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने जीप में बैठ जाता हूँ, बैठने के बाद यहाँ से निकलते हैं टिप्सन दादा के पास, मतलब टिप्सन दादा ही बताएंगे हमें KTM बाइक कहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बैठ जाता हूँ, यहाँ पे बैठने के बाद निकलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बहुत लंबी छलांग मारा, मतलब कि अपनी जीप को लेके नीचे कूद गया। तो भाई ये क्या, ये तारों के बीच में अटक गई मेरी जीप, लेकिन मेरी जीप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ फटाफट, मेरी जीप फंस चुकी है, इसको निकालना पड़ेगा मेरे को, तो फटाफट इसको निकालते हैं। तो भाई निकल जाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे कुछ तोड़ना पड़ेगा, जालिया वालिया, तो जालिया मैंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ से निकलते हैं टिप्सन दादा के पास, वहीं पे जाके उनसे पूछेंगे हमें KTM बाइक कहाँ पे मिलेगी, तभी तो हम टक्कर करेंगे। तो यहाँ पे फटाफट टिप्सन दादा के पास आ जाता हूँ, आ जाने के बाद देखते हैं बात करके उनसे। तो यहाँ पे मैं उतर गया, उतरने के बाद देखते हैं कौन है यहाँ पे, भाई यहाँ पे कोई और आदमी खड़ा है, देखते हैं इनसे बात करके टिप्सन दादा कहाँ पे गए, पूछ के देखते हैं इनसे कहाँ पे गए टिप्सन दादा। मेरा नाम कल्लू कालिया है। टिप्सन दादा के लिए तुम्हें एक घर खरीदना पड़ेगा, फिर बाद में तुम्हें एक KTM बाइक देंगे टिप्सन दादा, तुम्हें वो भी फ्री में। घर खरीदने के लिए पैसा मैं दूंगा। तो हमें एक बहुत बड़ा घर खरीदना पड़ेगा, बड़ा घर इसलिए खरीदना है ताकि टिप्सन दादा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से रह सके। तो यहाँ पे मैं निकल चुका हूँ घर खरीदने के लिए, मुझे पता है कहाँ जाना है अपने को, घर कहाँ मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे मैं निकल चुका हूँ घर के लिए निकल चुका हूँ, तो अभी हमको एक KTM बाइक मिलेगी, काफ़ी ख़तरनाक बाइक रहती है भाई, देखते हैं हमें KTM बाइक मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो यहाँ से मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ, देख सकते हो मेरी जीप की रफ्तार कितनी तेज़ है, काफ़ी तेज़ है, इस जीप की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है, अच्छे अच्छे कार को पीछे कर देगी ये जीप। तो यहाँ से मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ, तो बस अभी पहुँच ही जाऊँगा 2 मिनट में, भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा रफ्तार है ना, इसलिए टाइम नहीं लगेगा अपने को। तो बस पहुँच गए, यहाँ पे एक पुल आ चुका है, पुल चढ़ने के बाद ही अपना घर आएगा, बहुत बड़ा घर रहेगा भाई, देख सकते हो कितना खतरनाक जगह है भाई, हमको पीछे लेना है भाई, पीछे जाना है, हम रॉन्ग साइड में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। तो यहाँ से मैं इस साइड लेफ्ट ले लेता हूँ, लेफ्ट या राइट दोनों में से कुछ भी कह लो भाई, यहाँ से निकलते हैं भाई। तो बस सीधा ही जाना है अपने को, सीधा जाने के बाद हमें एक घर दिखेगा, काफ़ी बड़ा घर रहता है भाई, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपनी पार्क कर लेता हूँ गाड़ी को, गाड़ी को पार्क करने के बाद यहाँ से एक समंदर दिख रहा है, समंदर तो नहीं है भाई, स्विमिंग पूल है। तो यहाँ पे मैं स्विमिंग पूल में एक बार नहा के देख लेता हूँ भाई, फ्री का घर है, कुछ भी कर सकते हैं, तो फटाफट इसमें नहा के देख लेता हूँ, नहाया, चलो डुबकी मार लिया, चलो अब बाहर निकल जाते, जहाँ तैरना नहीं अपने को। तो बस इस घर को मैं फटाफट खरीद लेता हूँ, तो भाई ये घर तो मैं पहले से भी खरीद चुका हूँ, मेरे को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मेरे पैसे बच चुके हैं भाई, तो मैं देख लेता हूँ आगे पीछे कोई चोर तो घुस के नहीं आया भाई, यहाँ पे कोई डकैती तो नहीं डालना, मतलब भाई चोरी बहुत होती है इसके अंदर भाई, बाइक मेरी चुरा के ले गए थे, आंखों के सामने चुरा लिया था, पता भी नहीं चला था भाई, ऐसे ऐसे चोर भरे पड़े हैं इसके अंदर। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पे जाएंगे, बिल्डिंग पे जाके देखेंगे टिप्सन दादा कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट कोई एक बिल्डिंग देख लेता हूँ, तो मैं देख लिया आजू बाजू कोई नहीं है, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग पे जाके देखेंगे टिप्सन दादा कहाँ पे गए हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग पे जाने वाला हूँ, तो भाई मुझे रुकावट आ रही है, तो यहाँ मैं फटाफट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद यहाँ से देखेंगे टिप्सन दादा है कहाँ पे, तब जाके हमें एक KTM बाइक मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट बैठ जाता हूँ, बस खड़ा हो गया, खड़ा हो जाने के बाद यहाँ से देखता हूँ आजू बाजू, तो भाई आज कूदो भाई, कलर वलर सब चेंज हो गया भाई, पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो गया अचानक से, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं फटाफट एक लूट बॉक्स दिख रही है, इसको लात मार के देखता हूँ इसके अंदर से क्या निकलता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई, यहाँ पे कुछ से दिख रहा है मुझे, काफ़ी कलरिंग हो गया है हमारा बैकग्राउंड। तो बस टिप्सन दादा के पास मिलते हैं, आ गए होंगे, काफ़ी देर हो गया, तो उसे बात कर लेते हैं, बात करने के बाद देखेंगे क्या बोल रहे हैं वो। तो फटाफट टिप्सन दादा के पास चलते हैं, तो बस पहुँचे जाएंगे 2 मिनट में, जहाँ हम गए थे वहीं वापस जाएंगे। तो बस सामने ही जाना, सीधे जाना है अपने को, सीधे जाना है अपने को। तो बस लोकेशन पे पहुंच गया भाई, तीर बहुत मारता हूँ, मतलब स्पाइडरमैन नहीं बनना है अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फटाफट निकलता हूँ टिप्सन दादा के पास, तो बस ये रहा, पहुँच गए। तो हमारी जीप गायब हो चुकी है, चिंता मत करो, जीप मिल जाएगी वापस, अपना चोरी नहीं हुई है जीप, हमें अच्छी जगह पे रखा हूँ मैं जीप, वापस मिल जाएगी अपनी जीप। तो यहाँ पे मैं टिप्सन दादा से बात कर लेता हूँ, बात करने के बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो भाई। तो यहाँ पे टिप्सन दादा आ चुके हैं, कहाँ गए थे पूछ लेते हैं इनसे।
छोटे में घूमने गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, तुझे एक घर खरीदने को लिए बोला था, खरीदा तूने मेरे लिए, काम किया तूने मेरा, तो तेरा KTM बाइक मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि KTM बाइक हमें मिलेगा, हमें लग रहा है टिप्सन दादा हमसे झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ धोखा होने वाला है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम अपनी KTM बाइक को लेके रहेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट कोई ऊंची बिल्डिंग पे जाता हूँ, ऊंची बिल्डिंग पे जाने के बाद देखेंगे हमारा लोकेशन कहाँ पे, लोकेशन देखेंगे तभी तो जाएंगे। तो यहाँ मैं फटाफट बहुत ऊंची बिल्डिंग पे आ जाता हूँ, तो और एक ऊंची बिल्डिंग, तो वहाँ पे चढ़ के देखते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले वहाँ पे मैं चला जाता हूँ, तो भाई यहाँ पे मैं नीचे कूद गया। तो देखो नीचे कूदने के बाद वहाँ पे मैंने तीर मारा, मतलब स्पाइडरमैन की वो मारा, जाल मारा, फिर वापस मैं पहुँच गया ऊपर। ऊपर पहुँचने के बाद देखो मैं ऊंची बिल्डिंग पे कैसे छलांग मारता हूँ। तो यहाँ से मैं ऊंची बिल्डिंग पे छलांग मांग लेता हूँ, मतलब बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पे जाऊँगा, मतलब भाई यहाँ पे मैं चढ़ सकता हूँ कि नहीं चढ़ सकता भाई। तो यहाँ पे मैं गिर चुका हूँ भाई, मेरी हड्डियाँ टूट गई, मतलब कि भाई देख रहे हो क्या नाच रहा हूँ मैं, इसे कहते हैं नाचना, इसे कहते हैं मुजरा करना, रातों रात नहीं दिनों दिन। तो यहाँ से मैं मुजरा नहीं करना चाहता भाई, यहाँ पे निकलते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा, यहाँ से बहुत ऊंची बिल्डिंग पे आ चुका हूँ, तो देख लेते हैं हमारी लोकेशन कहाँ है पे। वहाँ पे एंच लिखा हुआ है, मतलब कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है, तो हमें हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं कराना भाई, हमको खुद नीचे जाना है। तो हम पैराशूट लेके नीचे कूद चुके हैं, क्यों पैराशूट लिया, क्योंकि नीचे गिरने के बाद हमारी हड्डियाँ टूट सकती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे लैंड कर लेता हूँ नीचे, नीचे लैंड करने के बाद देखेंगे हमारी KTM बाइक हमें कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट लैंड कर लेता हूँ, लैंड करने के बाद यहाँ पे मुझे एक वैन दिख रही है भाई, तो मुझे सामने एक वैन दिखी, तो मैंने सोचा इस वैन को ले लें, लेकिन हमें नहीं लेना वैन को, हमें अपनी KTM बाइक चाहिए अपने को। तो यहाँ पे मैं फटाफट ले लेता हूँ एक कार। तो यहाँ पे मुझे एक लड़की दिख रही है भाई, क्या पी रही है, गांजा पी रही है, दारू पी रही है, पता नहीं क्या पी रही है। तो यहाँ पे मुझे एक मारना पड़ा इसको ज़बरदस्ती, तो यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो मतलब हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं निकलता हूँ, तो भाई हमें कुछ दिख नहीं रहा भाई, ना कार दिख रही है ना बाइक दिख रही है, मतलब हम कंगाल हो चुके हैं, मतलब इतना कंगाल हो चुके तो हम भीख नहीं मांगेंगे भाई, इतना कंगाल नहीं है अपन। तो यहाँ पे मैं भाई बाइक नहीं लेना अपने को, कार नहीं लेना, मतलब बाइक थोड़ी ना यार, कार है वो कार। तो यहाँ पे मैं एक सीक्रेट लोकेशन पे आ चुका हूँ, जहाँ पे बहुत ऊंची बिल्डिंग पे आ चुका हूँ, बहुत सीक्रेट लोकेशन। तो यहाँ पे मुझे कुछ सीक्रेट चीज़ मिला है, मतलब कि भाई पता नहीं क्या था वो। तो यहाँ पे मैं निकलता हूँ, तो यहाँ पे मैं निकल के देखता हूँ, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा भाई, यहाँ पे काफ़ी खतरनाक जगह पे आ चुका हूँ। तो यहाँ से हम निकलते हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हाँ यहाँ पे हमें घर खरीद लिया, लेकिन घर खरीदने के बाद हमें कोई बाइक नहीं मिलेगी, मतलब टिप्सन दादा को हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा, उनसे हमें बदला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं उनसे बदला लेने के लिए निकलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्स वो छुप गए होंगे, तो यहाँ से मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तो बस यहाँ से निकलते, कोई बाइक या कार मिल जाए उनसे पूछेंगे हमारे साथ धोखा हुआ या फिर सच बोल रहे वो। तो यहाँ पे मैं एक फरारी ले लेता, फरारी लेने के बाद यहाँ से निकलते हैं। दे भाई अपनी फरारी दे, जल्दी दे, यहाँ से हमको जाना है, नहीं तो हमारे बहुत धोखा हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये धोखा हमें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा। तो यहाँ से हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो बस निकल चुका हूँ टिप्सन दादा के पास, तो वहीं से जाके पूछेंगे टिप्सन दादा से हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ। तो यहाँ पे टिप्सन दादा से हमें बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं निकल चुका हूँ टिप्सन दादा के लिए, टिप्सन दादा से हम पूछेंगे हमारे साथ उन्होंने धोखा क्यों किया। तो अगले एपिसोड में हम पूछेंगे धोखा क्यों किया। तो बस अगले एपिसोड में देखते रहिए, अगले एपिसोड में उनसे KTM बाइक हम ले करेंगे। तो यहाँ पे बस इस एपिसोड में इतना ही, तो बस लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद आए तो कर दो यार सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मैं टिप्सन दादा से अगले एपिसोड में बात करूँगा, बहुत अच्छे से बात करूँगा, क्यों हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, KTM बाइक हमें नहीं मिली लेकिन हम ले के रहेंगे। तो बस इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं।